आज सुबह से मेरा दिन शुरू हो रही है एंड अभी मैं डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ, जीरा एंड उसके साथ सिनेमन देके मैं ओवरनाइट सोक करके रखी थी एंड उसको अभी मैं बॉयल करूँगी। जो वाटर मैंने सोक करके रखी थी अभी मैं इसको बॉयल कर रही हूँ एंड बहुत मतलब जो वाटर था उसका मैं ऑलमोस्ट हाफ करने की कोशिश करूँगी, हाफ द क्वांटिटी। एंड जब उबालना हो जाएगा तब मैं हाफ नींबू इसको इस ड्रिंक के साथ ऐड कर लूँगी एंड इसको स्ट्रेन करके पी लूँगी। इतना फॉग देखिए, पूरा हिल स्टेशन लग रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अर्ली मॉर्निंग 5:30 बज चुकी है एंड हम लोग अभी मॉर्निंग टी पी रहे हैं। ये देखिए थोड़ा ठंडा ठंडा है, अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। एंड देखो ये लूना का कारनामा एंड और एक मेंबर के साथ आप लोगों को मीट करवाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा। एंड मेरा आज का सुबह कैसे कटता है एंड सारा दिन कैसे मैं बिताती हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे एंड बाद में करेंगे, मॉर्निंग में नहीं, बाद में। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेट Lily, sit. Sit down. Good boy, Milo. Milo, good boy. Lily, sit down. Sit down. ये है छोटी सी लिलित जो हमारे घर में आई है एंड शी इज आर न्यू मेंबर एंड हम लोग बहुत उसको लाड दे रहे हैं एंड लूना की बहन एंड माइलो की बहन। तो हमारे घर में अभी लूना, माइलो एंड लिलित है एंड बहुत शैतान है लिलित एंड उसका 5 months एज है एंड मेरे जो नेफ्यू है वो उसको ले आए हैं एंड वो हमारे घर में ही अभी रहेगी। बहुत अच्छा कटहल मिला था कल, तो बाज़ार गए थे, थोड़ा बहुत बाज़ार करके लाए थे। तो ग्रीन वेजिटेबल्स देखने से ही ना मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब तुरंत मैं खरीद लेती हूँ। एंड रोमित बता रहे थे कि यहाँ से कि आप मतलब सोनारपुर बाज़ार के लिए, मतलब सोनारपुर गए थे थोड़ा काम के लिए, तो वहाँ से कटहल मिला, बहुत अच्छा, मतलब एकदम फ्रेश, बहुत ही अच्छा मिला। एंड गर्मी में हम लोग बहुत कटहल प्रेफर करते हैं, रोमित को उतना पसंद नहीं है लेकिन मतलब मुझे तो बहुत पसंद है एंड वो थोड़ा मटन टाइप का मतलब अगर आप बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। एंड बंगाली में इसको गाच पाठा बोलते हैं, मतलब मटन को पाठा बोलते हैं, पाठा, एंड उसको मतलब बंगाली में गाच पाठा बोलते हैं कटहल को।
इचोर बोलते हैं कटहल को एक्चुअली, एंड हम लोग इसको बहुत रिलिश करके बोलते हैं, ये तो मटन जैसा खाने में होता है, तो गाछ पाठा बोलो इसको, गाछ पाठा। के साथ थोड़ा बहुत शेयर करेंगे कैसे मैं बनाती हूँ, एंड तो स्टे ट्यून कहीं मत जाइएगा, एंड तो चलो कटहल बना लेते हैं। कटहल को मैंने ऐसे पीसेस करके काट लिया है, इनको इसको अभी मैं थोड़ा हल्दी और नमक देके इसको बॉईल कर लूँगी, एंड आप प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हो, लेकिन मैं कढ़ाई में कर रही हूँ। मसाला भून रही हूँ, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर देके बहुत अच्छी तरह से भूनना है इसको। देखिए भुनना मेरा हो गया है, ये कटहल को मैंने फ्राई कर लिया था, आलू को भी फ्राई कर लिया था, अभी इन सब चीज़ को एक साथ मिलाना है। एंड मैं छोंक जीरा से दिया, और तेज पत्ता, आप चाहो तो साबुत गरम मसाला भी दे सकते हो। इसको बहुत अच्छी तरह से मिलाना है, अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा देना है क्योंकि इसको थोड़ा मटन काइंड ऑफ प्रिपेयर करना है, धनिया ज़्यादा, जीरा थोड़ा कम। अभी मैं 5-7 मिनट के लिए इसको धीमी आंच में थोड़ा बहुत रखूंगी, एंड उसके बाद अभी मैं ग्रेवी के लिए गर्म पानी दे रही हूँ, एंड ये गर्म पानी आपको जितना आपको ग्रेवी चाहिए वैसे आप दे सकते हो। तो हमारे घर में ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखते हैं इचोर की सब्ज़ी में, कटहल की सब्ज़ी में, तो मैं वैसे ही दी हूँ। तो अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो पानी ज़्यादा दे दीजिएगा। बस हो गया है, अभी इसको बॉईल करना है धीमी आंच में, एंड जब प्रिपेयर हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, घी एंड गरम मसाला दे के इसको आप सर्व करो। हाय गाइस, अभी इवनिंग में हमारे सोसाइटी में एक लेडीज़ टी पार्टी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो किया गया है, तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ अभी, एंड वहाँ पे थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस मैं अगर हो सके तो शेयर करूँगी, एंड तो चलो अभी जाते हैं एंड थोड़ा इवनिंग वॉक करके वहाँ पे जाएंगे। হ্যাঁ, ওর বার্থডে আছে নাকি আজকে তোমার? কিছু নেই, বার্থডে হলে বাপ রে বাপ। আছে কম বলছো, কম বলছো, কম দিয়েছি আরো আছে। सारा खाना देखिए, सब खाना पड़ेगा, एंड हर रोज वेट पुट ऑन कर रहे हैं सब। इसके घर में आई मतलब आए हैं सब, एंड हम लोग बहुत मतलब एंजॉय कर रहे हैं। अभी खाना पीना चलेगा, आप लोग देखते रहो एंड हम लोग खाते रहे। आज का शाम तो आपके साथ शेयर किया, आप लोगों को मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा है, एंड हम लोग बहुत एंजॉय किया, बच्चे लोग तो देख रहे थे कितना एंजॉय कर रहे थे सब एक साथ, एंड बहुत दिन बाद मैं ये व्लॉग बनाई क्योंकि हमारे साथ भी फैमिली के साथ बहुत कुछ हो रहा है। हम लोग ऑल ऑफ अ सडन सोनीपत से
कैलकटा चले आए बिकॉज ऑफ माई मदर्स हेल्थ इश्यूज एंड उसके साथ मेरा भी हेल्थ एकदम अच्छा नहीं था एंड उसके साथ रोमित बहुत बड़ा डिसीशन लिए कैलकटा रुकने का एंड सब कुछ मिला के बहुत हॉटस्पॉट चल रहा है लाइफ लेकिन फिर भी मेरा हेल्थ इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा था इसके कारण मैं ब्लॉग इतने दिन से बना नहीं पाई एंड सब कुछ मिला के बहुत ही एक ही खुशखबरी है वो है हमारे ज़िंदगी में लिलित का आना जो मेरे नेफ्यू ने उसको लेके आए थे एंड वो अभी हमारे साथ है तो ये एक खुशखबरी है एंड उसके साथ कुछ मेरा मामा का देहांत हो गया है मेरे मामा जो मेरी मम्मी से बड़े थे उनका देहांत हो गया है सब कुछ मिला के एकदम अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी मैं सोची ये सब अपडेट्स आप लोगों को देना चाहिए एंड मेरा चैनल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ये भी एक डिमोटिवेटिंग होने का रीज़न है फिर भी मैं डिमोटिवेट नहीं होना चाहती हूँ इसलिए मैं सोची क्यों ना आज ब्लॉग दे दूँ एंड मैं बहुत आज का दिन एंजॉय किया है किसी भी तरह से अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जो इनकंसिस्टेंसी था इसको मैं ठीक करूँगी एंड मेरा हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक हो जाएगा उसके लिए जो जो डॉक्टर्स ने बोला है वही मैं कर रही हूँ एंड ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी रिवील नहीं कर पाऊँगी अभी एंड तो चलो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच गुड नाइट लिली बेबी को देखो एक मुखटा देखिए दाओ एक मुखटा देखिए दाओ लिली बेबी ये मेरी लिली बेबी लिली बेबी लिली बेबी।